नमस्कार, आप सब लोगों को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन देवभूमि उत्तराखंड का एक खास कार्यक्रम है जी, जमा जी की आप लुप्त उठाने सभी कार्यक्रमों को अपनी भाषा में जी। एक नौनिया जी को नाम मानिका चौहान है, तुम्हें मैं बोले कि चमोली मेरे मुलुक मेला है जही, मतलब ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो बहन मैं तो बोले कि रथी देवता के बारे में जी आप सब लोगों तो बता, मैं ठीक है। तो मतलब आज को दिन बहुत बढ़िया, आज सात गति बैसाख है, तो आज मेरे भी लोग दुख आज, तो आपसे आज मैं बता लूँ रथी देवता के बारे में जी। रथी देवता एक सामान्य इंसान वाय करते थे और उनको नौ थे धन सिंह अधिकारी, उनको गांव को नौ थे अलेरू जो कि जुआ पट्टी में जी फोड़ दू। तो वो एक सामान्य इंसान थे और वो गाय भैंस वगैरह चरौंदा थे अपना मुल्क में जी। तो वह समय में जी एक बीमारी थे जो कि बहुत ही ज़्यादा घातक और खतरनाक बीमारी थे, वह को नौ थे हैजा। तो वो एक इतना खतरनाक बीमारी थे वबरी कि सब लोग ये थे एक गाली के रूप में जी भी इस्तेमाल करते थे हैजा शब्द थे। वह समय में जी बहुत सारे लोग मरे हैं जब बीमारी से। तो उमर जिन एक जो इंसान थे धन सिंह जो कि एक चपेट में जी आए, जो भी लोग हैजे बीमारी से मरते थे तो वह समय में जी लोगों तक जलौंदा नहीं थे कहते ना, तो ऊँ तक सिर्फ सिर्फ दफनौंदा थे, तो ऊँ तक भी दफनाए गए थे। काफ़ी समय गुजरी थी, वहाँ के बाद क्या हुआ कि उन लोगों पर आने लगे, काफ़ी सारे लोगों पर उन जन बोला ना कि छाया लग गई, तो काफ़ी सारे लोगों पर आए नूँ। वहाँ के बाद वह क्या कि सब लोगों ने पूछी कि भाई क्या करना, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पूजा पाठ करी कि यार ये सब पर आने लगे कि वन तो वन क्या लगे। और सबसे जो अलग बात है कि जब वो लोगों पर आंदते थे तो क्या को भी नुकसान नहीं करते थे, वो बोलते थे कि यार तुम अपनी समस्या बता और मैं आपको समाधान कर लूँ। जब सब लोगों की समस्या को समाधान बन लगे तो सब लोगों ने बोले कि यार ये कोई भूत प्रेत नहीं, कोई आत्मा नहीं, ये कोई देवता है बल्कि जो सबको सबकी मदद करना चाह दूँ। जय पर भी वो दृश्य देना तो हमेशा वो क्या कर दान कि सबकी समस्या सुन दान और वहाँ को समाधान कर दान। जब लोगों ने उनका परिचय के बारे में पूछे तो उन्होंने बताया कि जब उनकी मृत्यु हुआ था तो उनको सर और पाँव एक ऐनी दिशा में जीत है और बबरी का जो नक्षत्र था वो इतना अच्छा था कि वो तो एक देवता को अवतार मिली। जब भी वो सब लोगों पर दृश्य देना था तो उन्होंने बताया कि वो देवता का रथ पर सवार बना, तो वहाँ का बाद से वो तो रथी देवता को नाव मिली। तब से लेके अब तक सब लोग होते रथी देवता के नाव से भी जान दान और वो हर क्या कोई समस्या को समाधान कर दान। आज मैं आपते रथी देवता को मंदिर भी दिखा लो जो कि केलुखाल में जी पढ़ दूँ, तो आज हम मुख्य जान लेंगे। जय धन सिंह देवता तुम्हारो ध्यान जाग दो, अरे रुकी खाते माँ तुम्हारो ध्यान जाग दो, ऊंचा किलुखा माँ तुम्हारो ध्यान जाग दो, अधिकारियों का पंचमा तुम्हारो ध्यान जाग दो, बयाड़ी का पाखा तुम्हारो ध्यान जाग दो, भैरू का रथ माँ तुम्हारो ध्यान जाग दो, ढोल की थाप माँ तुम्हारो ध्यान जाग दो, ढोल की लागुड़ी माँ तुम्हारो ध्यान जाग दो, चौड़ की थाल माँ तुम्हारो ध्यान जाग दो, चौकुंटा मंदिर माँ तुम्हारो ध्यान जाग दो, खुला मंडाण माँ तुम्हारो ध्यान जाग दो, तांबा का ढोल माँ तुम्हारो ध्यान जाग दो, ध्यानियों का मैथवाड़ा देवता तुम्हारो ध्यान जाग दो, राम का बैरागी शिव का सन्यासी तुम्हारो ध्यान जाग दो, वैष्णु का व्यापार माँ तुम्हारो ध्यान जाग दो, सेवा लागो राजा मेरी सेवा सौली लीले धना सिंह चांदो ऐसी मोलियों बुलारा पराण तेरो चांदो भैसे लोणी रथी राजा धना सिंह चांदो ऐसी मोलियों बुलारा पराण तेरो चांदो भैसे लोणी रथी राजा गलिया गल बंदा सजे हाथ मारू मैं बैठी गे धना सिंह कांगो डारे छेला रथी राजा गलिया गल बंदा सजे हाथ मारू मैं बैठी गे धना सिंह कांगो डारे छेला रथी राजा देवता पत्रधारी देवड़ भेजे अधिकारी बंसी को देवता बनी गे किलो खाल तेरो रथे मंदिर बनेगी रथी राजा।
किसी को देवता बड़ी गे किलो खाली तेरो रथे मंदिर बनी गे रथी राजा परासी दुहे गे धनासी गे राजा ये लाल पीली झंडी तेरा मंदिर को साजा रथी राजा परासी दुहे गे धनासी गे राजा पीली झंडी तेरा मंदिर को साजा रथी राजा ध्यान पूधड़ धन सिंह देवता पदधारी देण भेजे कांगो डाल छेला विनयासन बने ले चांदू भैसी कख होली स्वचन लेगे रथी राजा सन बने ले चांदू भैसी कख होली स्वचन लेगे रथी राजा स्वचति स्वचति अनुजाप पड़ी गे कांगू डाली छेला तेरो काल बने गे रथी राजा स्वचति स्वचति करो जाप पड़ी गे कांगू डाली छेला तेरो काल म्यारी रथी राजा मैशुर को व्यापारी धन सिंह देवता धेमठ पोसो किन देवता देवण भेजे बुलार्या सुबो को तो मना को मयालो गति बैसाख जुड़ी तेरो थोड़ो रथी राजा बुलारा सुबह को तो मना को मयालो शादी गति बैसाख जुड़ी तेरो थोड़ो रथी राजा किलो खाल थोड़ो मनु खमा साड़ ले गे ज्योतिषों की ध्यान रथी तुम मिलन एगे रथी राजा किलो खाल थोलो मनु खमा साड़ ले गे ज्योतिषों की ध्यान रथी तुम मिलन न्यारी रथी राजा जोकुंटो मंदिर रथी त्वेते बणोदी रथी राजा हलेरू की थाती तेरी जिया माजी रोंदे जोकुंटो मंदिर रथी त्वेते बणोदी रथी राजा हारी भैरो रथी धर्म को पुजारी मेरा कष्ट सभी नष्ट करी अर्चना छ म्यारी रथी राजा तू कष्ट हारी भैरो रथी धर्म को पुजारी मेरा कष्ट सभी नष्ट करी अर्चना छ म्यारी रथी राजा ये रथी राजा ये रथी राजा बोलो भैंस पूरा सया ये रथी राजा बोलो दूधा को शौकीन ये रथी राजा बोलो थे मठ को शौकी ये रथी राजा तो दे भैंसियो की जाजा ये रथी राजा केरी सिराना की टोपी ये रथी राजा तो दे स्वाभिमान दे दी ये रथी राजा तेरो लाडू छतरो ये रथी राजा बोलो
की डबी करो गलिया गाला बंद घरे हाथ मारू मैला बैठे कांगो डाली छेला भेजे अलेरू की थाती तेरी जिया माजी रोदी बोदे धना सिंह मेरो देवता बनी गे कांदो ध्यान को जेरो बोलो ध्यान को धड़वाई बोलो भैरू को भड़वाई बोलो परतधारी देवता भेजे अलेरू की थापी तेरी जिया माजी रोंदी कांदो पैना मटी डबी गलिया गाला बंद कहते सो बिमान दे दो तेरो लाटी छतुरो बोलो बाटा कुया सिरो बहुत पहले का टाइम में जी जब रथी देवता क्या की भी मनोकामना पूर्ण करते थे तो वो एक बलि मांगते थे और बलि के रूप में जिन भेड़ वगैरह थे मारते थे। पंडित जी ने मैं बताया कि उन बहुत बड़ी एक यज्ञ वगैरह करवाई एक मजी तो उन रथी देवता से मनाएं कि हम आज के बाद आते हैं चढ़ाओ मजी एक सिरपल दियोला और आपते वस्त्र दियोला बीड़ी सिगरेट वगैरह दियोला दान मजी और वो आते चढ़ोला तो वहाँ का बात से क्या कि अब बलि प्रथा एकदम खत्म है कि जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ये मुल्क की जो भी बुआरी जो भी नॉन इंडिया की स्पेशली उनकी खातिर जो रथी देवता है उनकी खातिर बहुत अच्छा है और जब भी वो ससुराल जाना या फिर अपना मायका मजी रहना तो वो उनकी हर मनोकामना पूर्ण कर दें जो भी होता है दिक्कत होती है उनको सारे समाधान कर दें रथी देवता। ये मैंने सबसे सुनी अभी सबसे मैंने जब बात करने लगी तो सब मैंने बताया कि अक्सर ये नहीं होंगे कि वो हर कैपर दृष्टि देना हर कैपर चाहे वो मायका में जी हो चाहे ससुराल में जी हो और सारी मनोकामनाओं की पूर्ण कर दें। जाने से पहले मैं आप सब लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारी जगह जबकि अभी भी बलि प्रथा चलने लगी हूँ तो आप क्या सोचते कि क्या कि बलि दोनों सही है कि खराब है आप लोग बता मैं थे और जो भी मैं सबसे बेस्ट कमेंट लग रहा वह मैं अगला एपिसोड में जी हाईलाइट कर लूँ तो आप सब लोग ये मजी भी अपनी राय दें ठीक है ना। जो भी लोग नए जुड़े हैं उन सबको मैं स्वागत कर दूँ आप सब लोग अपना दोस्तों से दिखा अपना परिवार से दिखा और खुशी बांटती रहा धन्यवाद।